कक्षा पांचवी विषय हिंदी, आज हम पढ़ेंगे पाठ 24 माता को पत्र। इसमें एक बच्चा अपनी माँ को पत्र लिखकर याद करता है, याद दिलाता है कि उसकी माँ यानी मायके चली जाती। 3 दिन पहले अपने मायके गई, बच्चे को लगता है कि जैसे उसकी माँ वर्षों से अपनी माँ चली गई है और वो वर्षों से अपनी माँ से दूर है। इस हर क्षण उसे माँ की याद सताती है। जब भी भोजन करने बैठता और या कपड़े उतारता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ आसपास खड़ी है। पूजनी माता जी के चरणों में बहुतेरा करता है प्रणाम, प्यारा यह बेटा तेरा, आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर, बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता ना मिली हो बरसों से। बच्चा कहता है पत्र में कि माँ को पत्र लिखकर याद करता, कहता है माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपना और परिवार का कुशल चाहता हूँ माँ, तथा उसके मायके का हाल चाल पूछता है। वह कहता है माँ अभी 3 दिन पहले आपने मायके गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे मिले बरसों हो गए हैं। बच्चा कहता है कि ऐसा लगता है बहुत बरसों से माँ चली गई है मायके, बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती, जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है, खाता तो हूँ पर ना स्वाद उसमें आता है। बच्चा कहता है बिना माँ के बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना जाने क्यों उसे माँ की याद सताती है, जब कपड़े उतार कर भोजन करने बैठता है और वहाँ माँ को नहीं पाता तो उसे यह ना जाने क्यों उसे भोजन अच्छा नहीं लगता और खाने में कोई स्वाद नहीं आता। यह ना समझना मुझे कष्ट देता है कोई, यह मेरी सुधि नहीं यहाँ लेता है कोई, पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है आती मुझको। और कहता है बच्चा कि मेरे को यहाँ कोई कष्ट नहीं है, मेरे को यहाँ कोई कष्ट नहीं दे रहा और मेरे को तेरी सुधी यहाँ लेता है कोई, यहाँ पे मेरे को यानी सभी लोग अच्छे से रख रहे हैं, मेरे को कोई कष्ट नहीं है और सबकी मैं याद कर रहा हूँ, सब लोग मुझको अच्छे से रख रहे हैं, और माँ तू मेरे को याद कर रही है कि नहीं, माँ तू मेरे को भूल तो नहीं गई, मेरे को तेरी सुध आती है मेरे को, यानी बच्चा कहता माँ मेरी याद तेको आती है कि नहीं। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी तेरे लिए, ना जाने क्या क्या लाऊंगी, अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। बच्चा कहता है कि मैं तो माँ तू तो कहती थी मैं परसों आ जाऊँगी और तेरे लिए ना जाने क्या क्या खिलौने लाऊंगी, गिफ्ट लाऊंगी, उपहार लाऊंगी, पर तू अभी आई नहीं, ऐसा लगता परसों से तू गई हुई है, माँ तू कुछ मत लाना पर सवेरे पहली गाड़ी से वापस आ जा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए माँ आप वापस आ जाओ बस। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना या अपने ही साथ उसे भी लेती आना, तेरा स्वागत करने में खड़ा रहूँगा, बाट देखता यही द्वार पर अड़ा रहूंगा, एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। बच्चा कहता है कि अगर माँ नानी आपको रोके तो नानी को पत्र दिखा देना कि बच्चा बहुत याद कर रहा अपनी माँ को, और नानी को नहीं मानेगी नानी पत्र देख के भी तो नानी को भी साथ में लेती आना, तेरा स्वागत करने में खड़ा रहूंगा और दरवाजे पे खड़ा होकर तुम्हारी रास्ता देखता रहूंगा, और तू मेरे को प्यार करती होगी तो तुरंत पत्र पाके तुरंत सुबह की गाड़ी से वापस आ जाओगी। अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखिए। प्रश्न पहला, सही जोड़ी बनाइए। तो पूजनी माता जी, गाड़ी, वापस आना जाना, स्वागत, खड़ा, द्वार पर अड़ा। फिर प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, यह ना समझना तुझे खालिस्तान देता है कोई, तो खालिस्तान में क्या आएगा, कष्ट। दूसरा, खालिस्तान तू तो कहती थी मैं परसों आ जाऊंगी, तो खालिस्तान में आएगा माँ, माँ तू तो कहती थी मैं परसों आ जाऊंगी। तीसरा, नानी रोके अगर उसे यह खालिस्तान दिखा देना, पत्र दिखा देना। चौथा, बाट देखता यहाँ यहीं खड़ा खालिस्तान पर अड़ा रहूंगा, यानी द्वार पर अड़ा रहूंगा। प्रश्न दूसरा, अति लघुतरी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आएगा पहला प्रश्न, बेटा माँ के चरणों में क्या करता है, तो बेटा माँ के चरणों में प्रणाम करता है। प्रश्न दूसरा, बच्चे को भोजन कैसा लगता है, तो बच्चे को भोजन बेस्वाद लगता है। प्रश्न तीसरा, माँ बच्चे से क्या कहकर गई थी, माँ बच्चे से कह के गई थी कि वे परसों आ जाएगी। प्रश्न चौथा, बच्चा माँ से कब वापस आने को कहता है, बच्चा माँ से जल्द वापस आने को कहता है।